वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ कार्यक्रम को देखते हुए मंत्री गणेश जोशी और प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिंचाई, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक साथ पहुंचे और पिथौरागढ़ स्थित पुलिस लाइन हेलीपैड पर जिलाधिकारी रीना जोशी और SP लोकेश्वर सिंह समेत गणमान्य व्यक्तियों और अन्य अधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जनसभा स्थल पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रही सभी तैयारियों का जायजा लिया। जी ओम पर्वत का दर्शन करने आ रहे हैं, उसके साथ साथ वादी कैलाश का भी दर्शन करेंगे और जिस स्थान से बिना चाइना का वीजा लिए और आपको एवरेस्ट के दर्शन होते हैं, कैलाश के दर्शन होते हैं, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे पर्यटन को चार चांद लगेंगे और निश्चित रूप में ओम पर्वत जो एक किस्म से वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आश्चर्य है कि प्रकृति वहाँ पर ओम लिखती है, जिसको हमारे वेदों के अंदर श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, 11-12 को उत्तराखंड आ रहे हैं और 12 तारीख को इस मैदान पर उनकी सभा होनी है। पार्टी ने जहां मुझे इस कार्यक्रम के लिए प्रभारी और बलुंदा को संयोजक बनाया है और मैं आज व्यक्तिगत रूप से उसकी तैयारियों का जायजा लेने आया।